हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप। पहले मुझे बताइए कि एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, बताइए मुझे एम आई ऑडिबल। चलिए, ये हमारी तमिलनाडु और एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, इसी की कंटिन्यूटी में हम चलेंगे। तो आज का जो हमारा साइंस का टॉपिक होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लास 9 एनसीईआरटी, क्लास 9 तमिलनाडु में ये चैप्टर्स हैं वो हम करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें ना यूपीएससी हर 1-2 साल में कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स पूछ लिए कि इनमें से मैमल्स कौन से हैं, इनमें से रेप्टाइल्स कौन से हैं, ओविपेरस कौन से हैं, विविपेरस कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोरल्स कौन से ग्रुप में आते हैं, अर्थवॉर्म कौन से ग्रुप में आते हैं, ये थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से प्लांट किंगडम की भी हम बात करेंगे कि कैसे प्लांट किंगडम को भी क्लासिफाई किया है। पहले जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने सेल्स को डिस्कस किया था, सेल कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सी टाइप की सेल किस किस किंगडम में पाई जाती है। आज भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, देखिए सेल के हिसाब से, सेल के अकॉर्डिंगली हम तीन डोमेन्स में बात करते हैं। एक आपका बैक्टीरिया वाला डोमेन है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, एक आर्किया की सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। जो आपकी बुक्स में है, बुक्स में आपका क्या मिलेगा, बैक्टीरिया और आर्किया को एक ही उसमें डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया और आर्किया को जो मोनेरा किंगडम में डिवाइड किया गया, इन दोनों को इकट्ठा डिवाइड किया गया है। बट जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है उसमें आर्किया को अलग रखा गया। आर्किया में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, जो जो एक्सट्रीम कंडीशन में आपके सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मिथेनोजन सुना है आपने, मिथेन जो प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस प्लांट में, गेटिंग माई पॉइंट, वो आर्किया में आते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो यूकेरियोटिक सेल की बात करने वाले हैं, और उसमें भी हम दो किंगडम की बात करेंगे, प्लांट और एनिमल किंगडम की। उसमें हम बात करेंगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये सारे यूकेरियोटिक सेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, यूकेरियोटिक सेल के बने होते हैं। फाइन, यूकेरियोटिक सेल हमने डिटेल में बात की थी, ठीक है। हाँ जी, जब मैं कह रहा हूं कि सारी सेल्स हमारी यूकैरियोटिक सेल है, तो ऑब्वियसली आरबीसी किसकी सेल है, हमारी सेल है, तो वो क्या होगी, वो यूकैरियोटिक होगी ना। हाँ जी, अब जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, देखो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अब तक डिस्कवर आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब सबके कैरेक्टरिस्टिक तो अलग अलग, कहीं भी डिफाइन करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और वो ग्रुप्स भी क्या है, हायरार्कियल है, मतलब हायरार्की के हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से उन ग्रुप को रखा गया है। वो हायरार्की कैसी है वो हम बात करेंगे। ऊपर हमने बात किया था फाइव किंगडम में डिवाइड किया गया है, ये विक्टर्स क्लासिफिकेशन है 1969 की, विटेकर्स क्लासिफिकेशन है 1969 की। अगर मैं बात करूं हायरार्की में कैसे डिवाइड किया गया है, सबसे पहले स्पीशीज आती हैं। स्पीशीज वो ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिजम्स, एक सिंगल स्पीशीज क्या होती है, जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, और वो उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है, और जो रिप्रोड्यूस कर पाए, जो क्या कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, उनको हमें, हमने किस ग्रुप में रखा है, स्पीशीज। फिर मान लो सिमिलर स्पीशीज हैं, सिमिलर स्पीशीज हैं, उनको हमने एक जीनस में रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल पैंथरा लियो
और पैंथेरा टाइग्रिस। टाइगर और लायन दोनों अलग अलग स्पीशीज है, पैंथरा यहां क्या आ जाता है, जीनस आ जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? पैंथरा यहां क्या आ जाती है, जीनस आ जाती है। मतलब कहने का मतलब कि जिनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, जैसे ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते इसलिए दोनों अलग अलग स्पीशीज है। टाइगर है आपका, लायन है, अलग अलग स्पीशीज है। बट पैंथरा लियो एंड पैंथरा टाइग्रिस आपका क्या है, पैंथरा एक जीनस है जिसमें आपका टाइगर भी है, लायंस भी है, जिनमें सिमिलरिटीज हैं। उसके ऊपर हायरार्कियल ग्रुप में आ जाओ, उसमें फैमिलीज आ जाती है। जैसे क्या है, बिग कैट एंड स्मॉल कैट, जो हमारी नॉर्मल कैट होती है और बिग कैट बुलाते हैं हम लॉयन एंड टाइगर्स, उनको फिलेडेलिया फैमिली में डाल दिया, एक फैमिली में डाल दिया। किसको? कैट्स को। उसके बाद ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल, मैं अलग एग्जाम्पल से बताऊंगा, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स, हाँ जी, प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स आपका जो है, प्राइमेट्स में आपके सारे जो है, जैसे जो ग्रुप्स हैं उसमें हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ठीक है, उसमें ओरेंगटोन्स भी आ जाते हैं, उसमें आपके चिंपैंजीज भी आ जाते हैं, वो क्या है, प्राइमेट ग्रुप में आके जो थोड़े बहुत, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं उनमें सिमिलरिटीज कम होती जाती हैं। क्लास क्लास जैसे आपका, हाँ जी, आपकी मेमेलियन क्लास है, ईव्स है, ईव्स आपके बर्ड्स हैं, या अगर मैं बात करूं जो रेप्टाइल्स है वो एक क्लास में है। फिर फाइलम, फाइलम हम करेंगे जैसे आपका, हाँ जी, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, जो जो फाइलम्स होंगे हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। किंगडम, पांच किंगडम में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अब ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासिफाई करते हैं, इसी हम क्या करेंगे, आज जो प्लांट और एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, 9th क्लास की एनसीईआरटी और 9th क्लास की ही तमिलनाडु टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए आज हम कंप्लीट करेंगे। फाइन, चलिए देखो, प्लांट का जो किंगडम है हम उसको पांच डिविजन्स में करते हैं। पांच आप लगा सकते हो, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अगर मोटा माटी में ग्रुप बात करूं तो, हाँ जी, देखो बच्चे, ये साइंस की क्लास जो है आपकी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। हाँ जी, कुछ ही दिनों में ईपीएफओ की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अभी ये अलग डोमेन है तो आप यहां ध्यान दीजिए। फाइन, चलिए देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, लोअर प्लांट्स होते हैं सीड प्रोड्यूस नहीं करते, क्रेप्टोग्राम्स बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं, क्रेप्टोग्राम्स। फिनेरोग्राम्स होते हैं आपके जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। पहले ये आए थे, इनमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं जिनमें ट्रू आपका रूट्स एंड लीव्स नहीं है और जिनमें ट्रू लीव्स और स्टेम्स और रूट्स हैं। जिनमें रूट्स नहीं है वो कौन कौन से रूट्स और स्टेम नहीं है, एल्गे एंड मॉसेस। एल्गे एंड मॉसेस में ट्रू रूट्स नहीं होते। हाँ जी, बात करेंगे, ये ब्रायोफाइट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ब्रायोफाइट्स हैं, ये एल्गे हैं। डिटेल में बात करेंगे इनकी क्या चीज है कि दीज आर फाउंड नियर वॉटर बॉडीज और इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, वोटर चाहिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होता है। इनमें ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स नहीं होते। जैसे आपने, हाँ जी, कहीं कहीं काई देखी है, मॉसेस, वो वहां प्रेजेंट होते हैं मॉसेस, उनके लीव्स ट्रू नहीं होते। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो लगेगा कि लीव्स और रूट्स हैं, वो राइजोइड्स होते हैं, वो ट्रू लीव्स नहीं होते, ठीक है, ट्रू रूट्स नहीं होती। फिर नेक्स्ट आपका टेरिडोफाइट्स, फर्न्स वगैरह जो होते हैं, फर्न्स जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं घरों के बाहर ना, बड़े बड़े पत्तों वाले जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम लगाते हैं वो टेरिडोफाइट्स हैं, फर्न्स हैं। फर्न्स जो होते हैं, अगर मैं बात करूं, फर्न्स जो होते हैं उनमें ट्रू सीड नहीं आता, बट दे हैव ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स, दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम।
जाइलम और फ्लोएम मतलब उनके अंदर अगर मैं बात करूं आपका वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए, फूड के लिए। यहां से स्टार्ट होता है टेरिडोफाइट से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने हैं। देन सीड प्रोड्यूसिंग हम डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आपके, आपने देखा होगा कोनिफोरस प्लांट्स होते हैं कुछ, जो जिनके नेक्ड सीड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? नेक्ड सीड वाले, जैसे आपने कुछ प्लांट्स के पहाड़ों में देखा होगा कोन कोन लगे होते हैं, वो कोन के ऊपर क्या होते हैं आपके सीड्स होते हैं, जिसको कोई आउटर कवरिंग कवर नहीं कर रही होती। जैसे आपका मैंगो में क्या होता है, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, वहां कवरिंग होती है सीड की, यहां नहीं होती। जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड होता है। क्या होता है? नेक्ड सीड। एंजियोस्पर्म जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिनके जो अगर मैं बोलूं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक फ्लावर पे आते हैं, चाहे वो गाइनोशियम है चाहे वो एंड्रोशियम। गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट। वो सारे आपके किस पे? हाँ जी, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। अब फिलहाल जो अर्थ पे डोमिनेटिंग है वो एंजियोस्पर्म्स है। अर्थ पे कौन डोमिनेट कर रहा है प्लांट्स में? एंजियोस्पर्म्स डोमिनेट कर रहे हैं। इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। अब इनकी डिटेल में बात करते हैं, इन ग्रुप्स की, इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले एल्गी पे आ जाते हैं। देखो कुछ बच्चे ना एल्गी जैसे क्या है, जो बच्चे कहते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा है कि जैसे ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो तो प्रोकैरियोटिक होता है। बच्चे वो एल्गी एक्चुअली में ट्रू एल्गी है ही नहीं, वो साइनोबैक्टीरिया है। जो एल्गी की हम यहां बात कर रहे हैं, जिसमें यूकैरियोटिक सेल होती है, क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और ये ना क्लोरोफिल होता है, इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और ये सबसे सिंपल और सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, सबसे सिंपल और सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स है। एल्गे बिलोंग्स टू थाइलोफाइट, द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड थैलस। एक्चुअली क्या होता है, जो इनकी सेल्स होती है ना, वो एक ग्रुप में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन वो टिश्यू की तरह काम नहीं करती, समझो इस चीज को। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे है कि आपका सेल का, ये सोचो बहुत सारी सेल इकट्ठी आ गई है, तो वो इकट्ठी आके डिफ्रेंशिएट नहीं करती किसमें, जैसे स्टेम लीव्स वगैरह बनाने में, वो क्या करती है इकट्ठा आके एक, मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एक इकट्ठा गट्ठा बना लेती है सेल का, उसको आप क्या बोलते हैं? थैलस। देखिए ऐसे, हाँ जी, जो है ये चीज। और इनमें क्या होता है कि आपका जो है अलग अलग वो प्रेजेंट नहीं होते, लीव्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, फाइन। यूजुअली जो है एल्गे क्या है, माइन्यूट होते हैं, और ये पानी के ऊपर आप देखोगे जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं उनके ऊपर फ्लोट करते हुए मिलते हैं। वो फ्लोट करते हुए जो एल्गी होते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टोन्स। कुछ एल्गी क्या होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं, जैसे लाइकेन्स। लाइकेन्स किसकी सिम्बायोटिक रिलेशन है? आपका फंजाई और एल्गी की। लाइकेन्स किसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? फंजाई और एल्गी की। हाँ जी, एल्गे की स्टडी को हम क्या बुलाते हैं? फाइकोलॉजी। ये ध्यान रखना है, क्या बुलाते हैं? फाइकोलॉजी। हाँ जी, यूजुअली हर टाइप की रिप्रोडक्शन इसमें पाई जाती है। हर टाइप की रिप्रोडक्शन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब आपका फ्रेगमेंटेशन से, लाइक स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका स्पोर्स से, जो उसके स्पोर्स होते हैं आपके क्लैमो डोमनास आपकी किससे करता है? स्पोर्स से प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन मिलती है एल्गे में। एल्गे को आप डिवाइड कर सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी,
ये बैक्टीरिया है, एक्चुअली ये ट्रू एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनमें जो पिगमेंट होता है उसका डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, जो ग्रीन एल्गे है उसका पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो आपके ट्रू प्लांट्स का होता है। फ्यूकोजेंथिनिन ब्राउन एल्गे का होता है। फाइकोइरेथ्रिन आपका रेड एल्गे का मेन पिगमेंट होता है। ये तीन आपको नाम याद करने हैं बस, क्लोरोफिल, फुकोजेंथिन एंड फाइकोइरेथ्रिन, रेड कलर जो प्रोवाइड करता है रेड एल्गी को। ये एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स। उससे अगली जो क्लासिफिकेशन है वो किसकी है? ब्रायोफाइट्स की। अब ब्रायोफाइट्स जो है, इन्हें प्लांट्स का एम्फीबियंस भी बुलाया जाता है। प्लांट्स का एम्फीबियंस क्यों बुलाया जाता है? एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं वो एनिमल्स जो पानी में भी सरवाइव कर पाए और जो किस में सरवाइव कर पाए, हाँ जी, जो पानी में भी सरवाइव कर पाए और जो, हाँ जी, लैंड पे भी सरवाइव कर पाए। इसी तरीके से ये क्या है, ये भी सरवाइव कर लेते हैं लैंड पे भी और पानी में भी, ठीक है, वाटर और लैंड दोनों पे सरवाइव कर पाते हैं। प्रिमिटिव सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है। दीज आर टेरेस्ट्रियल एंड नॉन वास्कुलर क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम मैंने बताया था अभी, क्रिप्टोग्राम वो ग्रुप है जो ट्रू ट्रू क्या नहीं करते, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब सीड प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे आपका ब्रायोफाइट और टेरेडोफाइट को आप क्या कहोगे? दीज आर क्रिप्टोग्राम्स, जो आपका सीड प्रोड्यूस नहीं करते। दे हैव नो वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम को आप क्या बुलाते हो? वस्कुलर टिश्यू। वो नहीं होते किसमें? ब्रायोफाइट्स में। देयरफॉर दे आर नेम्ड एज, ये क्या है, लैंड और वाटर में सर्वाइव करते हैं। ब्रायोफाइट्स लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्रिप्टोग्राम, क्रिप्टोग्राम क्या है आपका? ऐसे जो है, हाँ जी, ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, समझ रहे हो, ये वाला क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम्स क्या है? जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते वो प्लांट्स कहलाते हैं, फिनेरोग्राम्स। ये ना, ये टर्म यूपीएससी ने 2-3 साल पहले क्वेश्चन में यूज की है, इसलिए मैं स्पेशली इस पर फोकस कर रहा हूं। एक क्वेश्चन में क्रिप्टोग्राम एंड फिनेरोग्राम टर्म यूज की है यूपीएससी ने, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था प्रीलिम्स में। एक मिनट, ओके, मैं, हाँ जी, फाइन, चलिए। ये ध्यान रखिए, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको क्या चाहिए होता है? अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए होता है, इसलिए इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला जाता है। बिना पानी के ये सरवाइव नहीं कर सकते। ईपीएफओ के लिए नहीं है ये, अभी ईपीएफओ के लिए हम आगे जो है कोर्स पूरा का पूरा चलाएंगे, उसमें होगा ईपीएफओ का। देन वी हैव ब्रायोफाइट्स का, कि ये है क्या। एक चीज ब्रायोफाइट्स की आपको याद रखनी है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये ना अकेले ऑर्गेनिज्म है जिनका हैप्लोइड, मैंने पिछले, आप क्लासेस देखोगे, हैप्लोइड एंड डायप्लोइड दो फेज बताए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के, डायप्लोइड एंड हैप्लोइड। हैप्लोइड होता है जिसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, डायप्लोइड होता है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। इनकी जो, ध्यान से सुनना, जो ब्रायोफाइट्स की मेन लाइफ है वो हैप्लोइड होती है, मतलब इनका जो वेजिटेटिव फेज है, जैसे हमारा है, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरी सारी सेल्स ना 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बनी है, लेकिन इनका जो मेन फेज होता है वो n नंबर ऑफ क्रोमोजोम का बना होता है। लाइक अवर स्पर्म और ओवम वाली जो स्टेज है ना, वो इनकी लाइफ की मेन स्टेज होती है ब्रायोफाइट्स की, मतलब उस फेज में ये ग्रो करते हैं।
और जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम वाली स्टेज है वो बिल्कुल छोटी होती है इनमें, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन इज द डोमिनेटिंग। गैमेटोफाइट क्या है, जैसे हमारे स्पर्म और ओवम होते हैं ऐसे ही गैमेटोफाइट क्या है, आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो इंपॉर्टेंट फेज है इनकी लाइफ का। और जो स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक जो हमारी ये फेज है, ये इनमें बहुत कम होती है। इनका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है लिवरवॉर्ट्स, मॉसेस, ये मेन एग्जाम्पल है। इनके जो ब्रायोफाइट है इनको क्लासिफाई कर सकते हैं लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स एंड मॉसेस में। ये देखिए रिकेसिया आपका किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है लिवरवॉर्ट का, हॉर्नवॉर्ट एंड हाँ जी आपके मॉसेस, ये हैं जिनमें जिनमें रूट्स और शूट्स दिखते हैं, ट्रू नहीं है। आपको लगेगा देखो ये स्टेम है, ये पत्ता है और नीचे रूट्स है, लेकिन ये ट्रू रूट्स और ट्रू स्टेम नहीं होता। ट्रू रूट्स और ट्रू स्टेम इनके नहीं होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ब्रायोफाइट्स के ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स नहीं होते, और उसका मेन रीजन है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। फाइन, चलिए नेक्स्ट जो है डिविजन है वो है आपकी टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट ट्रू प्लांट्स हैं, लैंड प्लांट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रू लैंड प्लांट। अगर मैं बोलूं आज से लगभग लगभग 300 मिलियन ईयर एगो इन्होंने अर्थ को डोमिनेट किया था। इन्होंने क्या किया था, अर्थ को डोमिनेट किया था, किन्होंने, टेरिडोफाइट्स ने। इनमें क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। पहला ग्रुप है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ये पहला ग्रुप है। फाइन, दे आर कॉल्ड वस्कुलर क्रिप्टोग्राम, बट इनमें भी सीड नहीं होता, ये ध्यान रखना सीड नहीं होता। द मेन प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू ट्रू रूट्स स्टेम लीव्स। ये पहला ग्रुप है जिसमें ट्रू स्टेम होता है, ट्रू लीव्स होते हैं, ट्रू रूट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स आल्सो एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सेम वही गैमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज, इनकी लाइफ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, बस आपको इतना याद रखना। जो स्पोरोफाइटिक फेज इनमें इंपॉर्टेंट होता है, स्पोरोफाइटिक फेज क्या है, इंपॉर्टेंट होता है किन में, इन एनिमल्स, इन प्लांट्स में, सॉरी इन प्लांट्स में जो है इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल आपके, हाँ जी इक्विस सिटम, नेफ्रोलेप्टिस, ऑर्नामेंटल प्लांट यूज होते हैं, ये आपने घरों के बाहर देखे होंगे कि एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट ये यूज होते हैं। देन नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की आज के टाइम अर्थ पे सिर्फ 950 स्पीशीज ही हैं पूरे वर्ल्ड में। कभी ये डोमिनेट करते थे अर्थ को, लेकिन अब इनकी बहुत कम स्पीशीज हैं, अब इनकी बहुत कम स्पीशीज हैं। ठीक है क्या, आर नेक्ड सीड प्लांट, ये क्या है, नेक्ड सीड प्लांट है, जो इनका सीड है ना उसको ओवरी कवर नहीं करती। जैसे आपके नॉर्मल जो है एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके सीड्स को ओवरी कवर करती है, यहां क्या है, ओव्यूल एंड द ओव्यूल इज नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी। जिम्नोस्पर्म्स हैव टू फेजेस इन इट्स लाइफ, वही गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट सारे प्लांट्स की लाइफ में होता है। किसमें कौन सा होता है, जो हायर प्लांट है उसमें स्पोरोफाइटिक फेज बड़ा होता है, बस ये याद रखना आपका। अब इनमें भी क्या होता है, ट्रू रूट्स, ट्रू प्लांट शूट्स एंड ट्रू लीव्स होते हैं। जो आपने जैसे क्रिसमस ट्री है या पाइन ट्री है, नीडल लाइक लीव्स जिनके होते हैं, वो ट्री अगर आपने पहाड़ों में देखे हैं वो एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स का। वो किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल है। दे हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू द, और ये पहले प्लांट्स हैं जिनमें सीड प्रोड्यूस होता है।
प्रॉपर सीड जो है जिम्नोस्पर्म से प्रोड्यूस होता है, ना ब्रायोफाइट्स में प्रोड्यूस होता है, ना टेरिडोफाइट्स में प्रोड्यूस होता है, ना आपका, हाँ जी, ना आपका एल्गी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, ट्रैकेड एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम में। दे हैव कोन इन विच स्पॉन्जिया एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस। कोन लाइक स्ट्रक्चर आपने देखे हैं जिम्नोस्पर्म्स के, जैसे आप जाते हो पाइन ट्री के कोन्स होते हैं उनपे जो है गैमेट्स होते हैं, उनपे जो है अगर मैं बात करूं जो आपके, हाँ जी, जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं या ओव्यूल होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उन कोन्स पे प्रेजेंट होते हैं, और उसे ओवरी कवर नहीं करती, उसे ओवरी कवर नहीं करती। फाइन, एग्जाम्पल क्या है, साइकस, गिंको, पेनस, जेनेटम। जैसे गिंको है, इसकी सिंगल स्पीशीज ही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक ही स्पीशीज है, मेनली चाइना में पाया जाता है ये, और सबसे ज्यादा ज्यादा जो थ्रेटेंड है किससे, क्लाइमेट चेंज से, वो जिम्नोस्पर्म ही है। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं एक्सटिंक्शन के चांस है वो किसके हैं, जिम्नोस्पर्म्स के हैं, प्लांट्स में। नाउ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स मीन्स क्लोज स्ट्रमा, मतलब आपका जो ओवम ओव्यूल है उसको ओवरी क्लोज करती है, उसको ओवरी कवर करती है। जैसे आपके नॉर्मल प्लांट है, मैंगो है, चाइना रोज है, हर्ब्स हैं, वो आपके क्या है, हाँ जी, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। एंजियोस्पर्म्स आपके इनमें भी क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं इसमें, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। फाइन, अब जो है हम डिवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स को डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन्स में। डाइकोटिलेडन अगर मैं बात करूं, डाइकोटिलेडन्स हैव टू कोटिलेडन्स, जो इनका सीड होता है ना जो डाइकोटिलेडन का, उसमें दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, फूड स्टोरेज के लिए कोटिलेडन्स होते हैं जो सीड में जो एम्ब्रियो होता है उसको खाना प्रोवाइड करते हैं। डाइकोटिलेडन्स में ये डबल होता है, मोनोकोटिलेडन्स में ये सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है सीड के अंदर, इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। प्लांट्स हैव टैप रूट सिस्टम, जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं उनमें मेन रूट होता है और उसमें ही रूट से आपकी लेटरल रूट्स निकलती हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हो, टैप रूट सिस्टम। लीव्स आर रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। आम का पत्ता देखा है, वो पत्ता कैसा होता है, हाँ जी, उसके जो है ये चीज होती है कि नहीं होती है, बताओ मुझे, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। फ्लावर्स आर टेट्रामोरस और पेंटामोरस, मतलब उनके चार या पांच आपके क्या होते हैं, काइलेक्स होते हैं, करोला होते हैं, मतलब पेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, पेटल्स और सेपल्स होते हैं, चार या पांच का ग्रुप होता है, ठीक है। पोलिनेशन यूजुअली इंसेक्ट करते हैं, मतलब जो पोलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा तक कौन लेके जाते हैं, उसको स्टिग्मा तक आपके इंसेक्ट्स लेके जाते हैं। एग्जाम्पल बीन, मैंगो, नीम, किस चीज का एग्जाम्पल है आपका, कोटिलेडन्स का। कौन से कोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, जो नॉर्मल बड़े प्लांट्स हैं सारे डाइकोटिलेडन होते हैं, सारे क्या होते हैं, डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन्स, सीड हैज ओनली वन कोटिलेडन, एक कोटिलेडन होता है, फाइब्रस रूट्स होती है, मतलब मेन रूट तो खत्म हो जाती है, एक ही जगह से बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। जैसे ग्रासेस को उखाड़ के देखना, ग्रासेस को जब आप उखाड़ के देखोगे तो उसका जो रूट सिस्टम होता है वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। फ्लावर्स आर ट्राइमोरस और उसमें डिवाइड नहीं होते, ये किसमें, आपके पेटल्स और अगर मैं बोलूं सेपल्स में डिवाइडेड नहीं होते। पोलिनेशन ओकर मोस्टली बाय विंड, पोलिनेशन किससे होती है, यहाँ विंड से होती है। जैसे आपका पैडी है, बनाना है, वीट है, ग्रासेस हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, मोनोकोटिलेडन का एग्जाम्पल है।
ये था प्लांट किंगडम के बारे में, इसके बारे में हम, हाँ जी, नॉलेज होनी चाहिए आपको बेसिक की प्लांट किंगडम। जैसे हर जगह आपको एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, जैसे अभी ब्रायोफाइट्स क्या है, ड्यू टू सम फंगल डिजीज वो थ्रेटेंड है, तो वो सारी चीजें करंट से रिलेट करके आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के जो पहले हम पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन क्या क्या है। फाइन, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, बॉडी कैविटी कैसी है, एसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है या सिलोमेट है आपका, हाँ जी, और आगे देखेंगे कि आपका डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका जैसे सेल्स यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हो सकती है, हाँ जी, क्या हो सकती है, रेडियल सिमेट्री हो सकती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। जैसे हमारी लगभग बायलेटरल सिमेट्री है, हमारी बॉडी को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट और राइट लगभग लगभग सारे जो है इक्वली डिवाइड होंगे, उसको बोलते हैं बायलेटरल। रेडियल होती है, जैसे हम बोल को किसी भी उससे काट दें, सारे पार्ट्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, वो क्या होती है आपकी रेडियल सिमेट्री होती है। डिप्लो ब्लास्टिक एंड ट्रिप्लो ब्लास्टिक। डिप्लो ब्लास्टिक और ट्रिप्लो ब्लास्टिक क्या होते हैं, क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ध्यान से सुनना, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होती हैं उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल कुछ लेयर्स में डिवाइड होती हैं। जैसे ह्यूमंस हैं उनमें तीन लेयर्स में डिवाइड होती है, तो ट्रिप्लो ब्लास्टिक, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें दो लेयर्स में डिवाइड होती है, उन लेयर्स का क्या होता है, उन्हें जर्म लेयर्स भी बुलाते हैं, उन लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तीन लेयर होती है, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। जैसे एक्टोडर्म से आपकी स्किन और आपका नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, जैसे एंडोडर्म से आपकी इनर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस डेवलप हुई है, मेसोडर्म से आपके जैसे लीवर वगैरह डेवलप हुए, वो किससे हुए, मेसोडर्म से। तो अगर वो दो लेयर से डेवलप हुआ है या तीन लेयर से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, वो कहलाता है आपका ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फाइन, जैसे देखो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीन लेयर, गेटिंग माय पॉइंट। फिर आपका कि ये कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं, डाइजेस्टिव कैविटी, जैसे ये डाइजेस्टिव कैविटी है, ठीक है, इसके और जो आउटर कैविटी है उसके बीच में स्पेस है कि नहीं, उसके बेसिस पे भी एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, इसको बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है, देखो इसमें सेल सेल प्रेजेंट है, तो कोई कैविटी इसके बीच में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिलियोमेट। इसमें देखो कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन वो ट्रू कैविटी नहीं है, उसको क्या बोलोगे, सूडो सोइलोमेट। यहां देखो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके ऊपर मेसोडर्मिक लेयर है, उसके बीच में आपकी क्या प्रेजेंट है, उसके बीच में आपकी, हाँ जी, एक कैविटी प्रेजेंट है, इसको आप बोलते हो सीलोमेट, इसको क्या बोलते हो आप, सीलियोमेट। ये आपका किसकी डिवीजन है, एनिमल्स की, हम देखेंगे कुछ सीलियोमेट होते हैं, कुछ एसीलियोमेट होते हैं। आ जाते हैं अब हम डिफरेंट फाइलम पढ़ेंगे, नौ फाइलम एनिमल किंगडम के हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है, हाँ जी, पोरिफेरा। पोरिफेरा में क्या होता है, स्मॉल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनकी सेल्स टिश्यूज में डेवलप नहीं हुई है मल्टी सेलुलर ही। इनमें क्या होता है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं बहुत सारे, देखो ये दिख रहे ना, बहुत सारे पोर्स होते हैं, और कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम के थ्रू पानी और फूड पूरी बॉडी में घूमता है, सर्कुलेट करता है,
उसी से इनकी सेल्स क्या करती हैं, उसी से इनकी सेल एनर्जी लेती हैं। साथ में वो कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ओस्टिया क्या है, पोर्स है, और साथ में इसमें क्या होता है, द बॉडी वॉल कंटेन स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स का है स्केलेटल फ्रेमवर्क है इनका, इनको सपोर्ट, इनकी सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हाँ जी, कोइलेंट्रा सिनेडेरिया। कोइलेंट्रा आर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। कोरल रीफ्स आपने पढ़ा है ना, कोरल रीफ्स इसी उसकी है, ग्रुप की है। सिनेडेरिया या कोइलेंट्रा, कोइलेंट्रेटा, ठीक है। मोस्टली मैराइन है, फ्रेश वाटर फॉर्म भी मिलती है। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, टिश्यू। अब टिश्यू लेवल आ गया तो ये डिप्लोब्लास्टिक है और एसिलियोमेट है, क्या है, एसिलियोमेट है। और इनमें क्या है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो टेंटिकल्स क्या करते हैं, शॉर्ट टेंटिकल्स हेल्प करते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। स्टिंगिंग सेल्स मतलब कोई अटैक करेगा तो वो इनमें क्या होता है, टेंटिकल्स में पॉइजन होता है जो जो इनके एनिमीज होते हैं उनको अटैक करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाँ जी, जैसे आपका हाइड्रा वगैरह, यहाँ एग्जाम्पल क्या था, साइकोन, यहाँ क्या है आपका, हाँ जी, जेलीफिश एग्जाम्पल है। जेलीफिश एग्जाम्पल है किसका, सिनेडेरिया का। कोरल रीफ्स भी इन्हीं की बनी होती है। नेक्स्ट है फाइलम प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस फ्लैट वॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजीज कोज करते हैं आपकी, हाँ जी, ह्यूमंस में। जैसे लिवर फ्लूक है, डिजीज कोज करता है ह्यूमंस में। टैप वॉर्म है, टैप वॉर्म भी क्या करता है, टेप वॉर्म भी आपका, टेप वॉर्म। फ्लैट वॉर्म है, ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। इनकी क्या होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी। एसिलियोमेट विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं। सकर्स और हुकर्स होते हैं क्योंकि ये ज्यादातर पैरासाइट होते हैं, इसलिए इनको क्या है, सकर्स और हुकर्स होते हैं। इनके अंदर फ्लेम सेल्स होती है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया के लिए, क्या होती है, फ्लेम सेल्स। और ज्यादातर ये वो हर्माप्रोडाइट होते हैं, मतलब इसमें जो सेक्स है, सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसमें, एक इंडिविजुअल में, एक सिंगल इंडिविजुअल में ही मेल फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट है फाइलम एस्कल हेलमिंथस। एस्काई हेलमिंथस, इसमें क्या होता है, सूडोसिलो में कैविटी होती है, मतलब जो आपकी मिजोडर्म से कवर नहीं होती वो कैविटी, इसलिए सूडोसिलोमेट बोलते हैं। ये प्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एस्केरेसिस और एलिफेंटेसिस पोज करने वाले। एस्केरेसिस एंड वुचेरिया क्या करता है आपका, एलिफेंटेसिस करता है। वुचेरिया आपका क्या कोज करता है, एलिफेंटेसिस। पैर बहुत मोटा हो जाता है, जो लिम्फ नोड्स होती हैं बॉडी की वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, एलिफेंटेसिस। नेक्स्ट है आपका फाइलम एनिलिडा। अर्थवर्म वगैरह, लीच वगैरह एनेलिडा में आती है। ये फर्स्ट ट्रू सिलोमेट ऑर्गन है, डिप्लोब्लास्टिक है, फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स। तीन कैविटी इनके बीच में क्या है, मिजोडर्म के बीच में कैविटी, मतलब आपका जो, जैसे हमारा क्या है, स्किन और जो इसोफेगस है उसके बीच में कैविटी है। कैविटी में आपका जैसे हार्ट है, लिवर है, सारे ऑर्गन प्रेजेंट है। हम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि नहीं है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमली सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। सीटे एंड पैरापोडिया क्या है, लोकोमोशन के लिए होते हैं। सेक्सेस अलग हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं। जैसे नेरेस, नेरेस क्या है आपका, कान खजूरा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। अर्थवर्म, लीच एग्जाम्पल है किसके आपका, हाँ जी, एग्जाम्पल है आपके किसके, कौन से ग्रुप के, फाइलम एनेलिडा, देन फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा फाइलम है, सबसे ज्यादा एनिमल्स, 70% ऑफ लिविंग एनिमल्स आर फ्रॉम दिस ग्रुप। इस फाइलम से आपके 70% ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड लेग्स। इनके तीन सेगमेंट होते हैं और इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, कुछ का काइटिन, जो फंगस की सेल वॉल भी बनाता है। कॉकरोच का, जो कॉकरोचेस होते हैं,
कॉकरोच का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या है, आपका काइटीन है, ठीक है। और मोल्टिंग क्या है कि ये अपनी आउटर स्किन को टाइमली क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, कास्ट ऑफ एंड रीग्रो कर लेते हैं एक्सोस्केलेटन को, ठीक है। बॉडी कैविटी में हेमोलिम्फ होता है, जैसे हमारा ब्लड है उनकी कैविटी में क्या होता हेमोलिम्फ ब्लड की जगह काम करता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन का मतलब इनके जो ब्लड वेसल से ब्लड कहाँ पूरी कैविटी में फैल जाएगा, और वो पूरी कैविटी में क्या काम करेगा, पूरी कैविटी में वो सारे ऑर्गन्स के साथ जो भी आपका ऑक्सीजन या फूड एक्सचेंज करना है वो करेगा, उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें गिल्स, ट्रैकिया और एक्सक्रीशन के लिए मालपीशियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं, प्रॉन, क्रैब, कॉकरोच, मिलीपीड, सेंटीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। जितने भी मॉस्किटो वगैरह सब इंसेक्ट्स इसी में आते हैं। सेंटीपीड, मिलीपीड, इनमें बहुत सारी लेग्स प्रेजेंट होती हैं। देन फाइलम मोलस्का, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, 15% ऑफ ऑर्गेनिज्म इसी ग्रुप के हैं। स्नेल्स आपने देखे होंगे, हाँ जी, फ्रेश वाटर, लिविंग वाटर सब में मिलेंगे। इनका हेड होता है, मस्कुलर फूट होता है एंड वेसिरल मास होता है। एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद फोल्ड ऑफ थिन स्किन कोल्ड मेंटल, पूरी बॉडी एक स्किन से कवर होती है मेंटल, विच सिक्रेट्स आउटर कैंसरस सेल्स, जो आपकी सीप जिसे हिंदी में हम बुलाते हैं वो क्या है, किससे प्रोड्यूस होती है, फाइलम मोलस्का से। सेक्स अलग अलग होते हैं और लार्वल स्टेज डेवलप होती है, जैसे स्नेल, ऑक्टोपस आपके मोलस्का फाइलम में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाँ जी, इक्नोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, रेडियल सिमेट्रिकल है, बायलेटरल सिमेट्री भी मिलती है कुछ में, लार्वा में, और वाटर क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड वाटर वास्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन ट्यूब फीट्स होते हैं। कैल्सरस इसमें क्या पाए जाते हैं, जो आउटर वॉल है बॉडी की, कैल्सरस स्पाइन्स पाए जाते हैं, जैसे स्टार फिश में होते हैं। ये देखिए स्पाइनी कैल्सरस हार्ड पार्ट्स मिलेंगे, स्टार फिश, सी अर्चिन एग्जाम्पल है आपका इक्नोडर्मेटा। ये सारे जो हमने डिस्कस किए ये नॉन कोडेट्स थे, मतलब इनके कोड नोटो कोड प्रेजेंट नहीं होती लाइफ में, कभी भी लाइफ के किसी स्टेज में नोटो कोड प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फाइलम हेमिकोर्डेटा, ये क्या मैराइन ऑर्गेनिज्म है, बहुत कम इनकी स्पीशीज है, जैसे बेलेंगुन, ब्लेनो ग्लोसस, नॉन कोडेट है ये, ठीक है। इनमें कुछ फीचर्स आपके कोडेट्स के भी हैं, बट इनमें नोटो कोड नहीं होती, इसलिए हम इन्हें अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, हेमिकोडेटा। कुछ ही ऑर्गेनिज्म है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब आ जाते हैं एक सब ग्रुप, सब फाइलम, अगर मैं बात करूं कोडेटा, कोडेटा में क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें आपकी नोटोकोड प्रेजेंट होती है लाइफ के किसी भी स्टेज में, और इनमें से कुछ वर्टिब्रेट होते हैं जिनका वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है उनकी डोर्जल व्यू में। ये क्या है, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। मेन हमने वर्टिब्रेटा पढ़ना है, यूरोकोर्डेटा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोकोर्डेटा में क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है सिर्फ एंड सिर्फ टेल रीजन में, बाकी डेवलप नहीं होती, और डीजनरेटिव क्या है, अडल्ट्स होते, अडल्ट्स में बिल्कुल भी नहीं होती। सिफेलोकोर्डेटा ये क्या है, आर स्मॉल फिश लाइक मैराइन कोर्डेट्स होते हैं, अनपेयर्ड डोर्जल फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स है इनमें, और नोटोकोड पूरी लेंथ में प्रेजेंट होती है, पूरे अडल्ट में प्रेजेंट होगी, अडल्ट में नोटोकोड प्रेजेंट होगी, वर्टिब्रल कोलम प्रेजेंट नहीं होगा, वर्टिब्रे प्रेजेंट नहीं होगी। वर्टिब्रे किसमें प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रेटा आपके सब फाइलम में। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड होती है, जब अडल्ट बनता है उसे वर्टिब्रल कोलम रिप्लेस कर लेगा, वर्टिब्रल कोलम उसे रिप्लेस कर देगा, विच फॉर्म्स द चीफ स्केलेटन एक्सिस ऑफ द बॉडी। वर्टिब्रेटा ग्रुप आर क्लासिफाइड इनटू सिक्स क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट है।
पहली है साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा। ये क्या जोलेस वर्टिब्रेट, ये देखो इनके जोज प्रेजेंट नहीं होते जैसे लैम्प्रे। ये यूजुअली पैरासाइट होते हैं फिशेस के, ये यूजुअली पैरासाइट होते हैं किसके, फिशेस के। मेन है आपका फिश ग्रुप जिसे हम पाइसेस बुलाते हैं। पोकिलियोथर्मल है मतलब कोल्ड ब्लडेड है, इनका टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड ट्रंक एंड टेल, पेयर्ड एंड मीडियन फिन्स, स्केल्स होते हैं पूरी बॉडी में, गिल्स होते हैं, गिल्स हेल्प करते हैं टू टेक अप द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं। कार्टिलेजियस फिशेस हो सकती है, बोनी फिशेस हो सकती है। कार्टिलेजियस फिशेस कौन कौन सी है, हाँ जी शार्क बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, कार्टिलेजिनियस फिश। इनकी जो बॉडी होती है उनका जो स्कल्टन है वो बोनी नहीं होता, वो कार्टिलेज का बना होता है। वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। बोनी फिश जो नॉर्मल जितनी भी हमारी फिशेस हैं, कार्प्स हैं, मुलेट्स हैं, आपके नॉर्मल फिशेस आपकी बोनी फिशेस हैं। देन वी हैव एम्फीबियंस, इनकी ड्यूल एडेप्टेशन होती है, ये लैंड पे भी रह सकते हैं, ये कहाँ रह सकते हैं, ये आपका पानी में भी रह सकते हैं, और इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए चाहिए होता है। और इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मतलब स्पर्म और ओवम बाहर मिलेंगे और बाहर आपका प्रोड्यूस होगा क्या, हाँ जी बाहर आपका जायगोट प्रोड्यूस होगा, लार्वा प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल है फ्रोग टोड, जो फ्रोग्स वगैरह हैं वो एम्फीबियन स्पीशीज हैं। सेलेमेंदर लार्जेस्ट आपका एम्फीबियन स्पीशीज है, चाइना की जो सेलेमेंदर, सेलेमेंडर। रेपेटाइल मतलब रेप्टाइल्स, दीज वर्टिब्रेट्स आर फुली अडेप्टेड टू लिव ऑन द लैंड। इनकी बॉडी पे हॉर्नी स्केल्स होते हैं, रेस्पिरेशन लंग से करते हैं, सब में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेज में टू चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियंस में टू चैम्बर्ड होता है, इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल ले देयर एग आउटर सेल जिनका कैल्शियम का बना होता है। लिजार्ड, स्नेक, टोर्टोइस, टर्टल्स एग्जाम्पल है किसका, रेप्टाइल्स का। बर्ड्स आर होमोथर्मिक, ठीक है, एनिमल्स विद सेवरल अडेप्टेशन टू फ्लाई, फ्लाई बर्ड्स क्या है आपके, होमोथर्मिक मतलब वार्म ब्लडेड है, ये क्या है वार्म ब्लडेड है। द स्पिंडल एंड बोट शेप्ड बॉडी होती है इनकी, हाँ जी। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो आगे वाले लिम्स हैं वो क्या करते हैं आपका, विंग्स बनाते हैं। न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स का मतलब है इनकी बोन्स में ना एयर ट्रैप होती है, एयर सैक्स होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं टू फ्लोट एंड टू फ्लाई। एग ले करते हैं, ठीक है, कैल्सरस शेल होती है, पैरेट, क्रो, ईगल बहुत से एग्जाम्पल हैं। लास्ट हमारा मैमेलियन, मैमेलियन आपका क्या है, नाम से पता लग रहा है, ब्रेस्ट होती है, मतलब दे कैन फीड देयर यंग वंस, दे कैन फीड देयर यंग वंस। मैमल्स आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स, स्किन हेयर से कवर होती है और स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स के। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होंगे, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, एक्सटर्नल ईयर पिने, ये चीज सारे के सारे मैमल्स में प्रेजेंट होती है। ये एग ले करते हैं एक्सेप्ट प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर, ये दो ऐसे हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं आपका, हाँ जी स्पाइनी एंटीटर और प्लेटिपस आपका एग प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सारे लाइव विविपेरस होते हैं, मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस। मैमल्स किसको बर्थ देते हैं, यंग वंस को। एग्जाम्पल क्या है, रैट, रैबिट, मैन, सारे किस चीज का एग्जाम्पल है आपका, मैमल्स का एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, मैमल्स का एग्जाम्पल है। फाइन, सबसे बड़ा जो अगर मैं बात करूं वेल एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म ब्लू वेल मैमल, 35 मीटर लॉन्ग, 120 टन वेट है, बिगेस्ट वर्टिब्रेट एनिमल है वर्ल्ड का,
सबसे भारी सबसे बड़ा एनिमल क्या है एनिमल किंगडम का? हाँ जी आपका व्हेल, ब्लू व्हेल। फाइन, चलिए ये सेशन यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।